जी वंस अगेन वेलकम बैक। तो हम तरीका इलाज पे बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए पहले तो सबसे पहले आपको अपने टेस्ट कराने पड़ते हैं, ठीक है ना, कि आपको हाइपो है या हाइपर है, क्योंकि सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, आपको पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो आप सबसे पहले अपने एक तो ये कि टेस्ट साल में एक दफ़ा ज़रूर सारे करा लेने चाहिए, ठीक है। सो यू नो कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि आपने किसे सुना हो और पता चला आपने थायराइड की दवा लेनी शुरू कर दी हो, तो सेल्फ मेडिकेशन तो मैं बिल्कुल उसको करूंगी। और ये हमारे यहाँ से कह दीजिए प्लीज, दोबारा से कह दीजिए, ये बड़ा इम्यूनिटी एंटीबायोटिक्स तो लोग इस तरह जैसे ग्रोसरी में ऑगमेंटिंग, तो ग्रोसरी में आई थिंक आ रही होती है, तो वो मतलब ये दैट्स वेरी रॉन्ग ना, आपकी इम्यूनिटी सारी खत्म हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप जाएं अपना एक दफ़ा करें या अपना सारा चेकअप कराएं, और जिस चीज़ का है प्रॉब्लम उसको फिर प्रॉपरली आप ट्रीट करें, ठीक है। तो अब अगर आपने कराया और आपको पता चलता है कि आपका थायराइड कम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको, तो आपको फिर ज़ाहिर है उसकी मेडिसिन लेनी है। एक तो ये कि आप आयोडाइज सॉल्ट से भी आपने आपको थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, लेकिन मतलब वही बात है, हर एक लेवल होता है, अगर थोड़ी कमी है तो उससे भी कवर अप हो जाता है, अदरवाइज। अच्छा, मेरा बड़ा क्रिटिकल सवाल है, दोनों से सवाल है जी, थायराइड किस तरह से फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है? थायराइड फर्टिलिटी को बड़ा बैडली इफेक्ट करता है, जिसको हम में से बहुत कम लोग समझते हैं, इवन आम डॉक्टर्स भी इतना नहीं रियलाइज कर पाते जितना गायनाकोलॉजिस्ट कर सकती हैं, कि थायराइड का सीधा सीधा जो रिलेशनशिप है वो हमारे फीमेल हार्मोन्स के साथ है, और फीमेल हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से फर्टिलिटी बैडली इफेक्ट होती है। तो वो सारी खवातीन जो दुनिया भर के इलाज कराती हैं अपने यहाँ बच्चे ना होने की वजह से, अगर वो अपना थायराइड टेस्ट भी करा लें। अच्छा, थायराइड के लिए भी ये है कि हम थायराइड की जिन वैल्यूज़ को नॉर्मल समझते हैं अपनी रिपोर्ट में देख के, और फिर बड़े खुश हो जाते हैं कि थायराइड तो नॉर्मल आ रहा है तो उसका तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी के हवाले से देखें तो ये वैल्यूज़ चेंज हैं, ओके, और इनको हम फिर बहुत अलग लेवल पे ले रहे होते हैं, उसमें हमें थायराइड ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए बजाय इसके कि रिपोर्ट देख के खुद एवेलुएट कर लें कि थायराइड तो नॉर्मल है तो हमें तो कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की, बेहतर है कि आप गायनोकोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करें और थायराइड का ट्रीटमेंट उसी के डॉक्टर से कराइए, ओके। अच्छा, कोई स्पेशल कंसिडरेशन होती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं वाइल्ड प्रेगनेंसी, और अगर आपको थायराइड जो है वो डायग्नोस कर दिया जाए तो कोई स्पेशल कंसिडरेशन की जाती है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स उसके हिसाब से मेडिकेशन करी जाती है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है उसको आपको कंट्रोल करना है, पैल्पिटेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको उसके हिसाब से उसको डोज एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन थायराइड के नॉर्मली भी, और अगर प्रेगनेंसी है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि मतलब आपने जो थायरॉक्सिन आप जो मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उसको आपको बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके और फिर आपको वो शुरू करनी पड़ती है, और वी स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट, ठीक है, कम से स्टार्ट करते हैं, देन फिर वो आगे बढ़ाते हैं हम उसको अगर ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ एवरी थ्री मंथ्स हमें अपने दोबारा से टेस्ट कराने होते हैं कि वो मेडिसिन जो ली है उस पर उसका क्या असर पड़ा। मैं शैला की बात को आगे बढ़ाऊँगी, शैला इज़ वेरी राइट कि डोज की एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। अच्छा, प्रेगनेंसी में हमारा कहना यह है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट के फर्स्ट थ्री मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में थायराइड ज़्यादा चाहिए बॉडी को, पहला ट्राइमेस्टर, इसलिए कि ग्रोथ की तरह, ग्रोथ हार्मोन की तरह एक्ट करता है, बच्चे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है। तो खवातीन हमारे यहाँ तो शुरू के तीन महीने निकाल के ही हॉस्पिटल पहुँचती हैं, तो वो जो क्रूशियल पीरियड, इट इज वेरी ट्रू। अच्छा, इसीलिए ये बात मैं दोबारा आपसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मैंने बार बार एक ही बात कही है कि पूरे मुल्क में 1200 मराकज़ हैं DKT के, प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि जब आपको ये पता चल जाए दैट यू आर फैमिली वे, तो आप सबसे पहले जाके अपने आप को उन क्लिनिक्स के अंदर रजिस्टर करें। आज अगर मथीरा होती तो वो मथीरा से कहता, मथीरा आपको बताती कराची में, हैदराबाद में, सिंध में, पेशावर में, एबटाबाद में, लाहौर में, यू नो KPK में, सरहद, यू नो NWFP में, जहाँ जहाँ पाकिस्तान है वहाँ वहाँ इनके 1200 मराकज तकरीबन काम करते हैं, जहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो मिल सकती है, वहाँ आप रजिस्टर हो सकते हैं। और ये तमाम प्रॉब्लम, लेट्स से कि अगर आपको खुदा ना करे थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पहला ट्राइमेस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहले तीन माह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ा आम रुझान ये है कि पहले तीन माह गुजारने के बाद जाए, तो ऐसा प्लीज मत कीजिए।